बाल वाहिनी चालक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हीं मांगों में आज कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। वैन चालक मून मैसी ने बताया कि आरटीओ और ट्रैफिक विभाग से बैठक आयोजित हुई थी, जिसके बाद उन्हें टोकन नंबर भी दिया गया था। टोकन को 4-5 सालों से लगाकर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, उसके बावजूद आए दिन एक दिन में एक एक गाड़ी के कई चालान किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वैन चालक हड़ताल पर हैं। इस समस्या की वजह से अभिभावक को परेशानी जरूर हुई, लेकिन जब तक वैन संचालकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, उनकी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। किससे मिलने हैं? कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आया था, अपनी समस्या का समाधान के पास कलेक्टर साहब के पास आए थे, क्योंकि जो हमें बाल वाहिनी के तहत परेशान किया जा रहा है, कई सालों से हम चले आ रहे हैं, बाल वाहिनी हमारे वाहनों पर लागू नहीं होता। इसकी मीटिंग दोनों हमारे आरटीओ से भी हो गई थी और ट्रैफिक से भी हो गई थी, तो इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिल के ये डिसाइड करा था कि इन गाड़ियों का अपन टोकन नंबर दे देते हैं। तो वो टोकन नंबर हम लगा के पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं और सब आराम से चल रहे हैं, पूरे शहर में चल रहे हैं। हर अभिभावक के घर गाड़ी जाती है, हर अभिभावक हमें पर्सनली जानता है, देखता है, कोई शिकायत नहीं आ रही है ऐसी। पर इन दिनों जो चालान 1 जुलाई से हो रहे हैं, वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी समस्या का समाधान के लिए हम आए थे। एक एक दिन में एक एक गाड़ी के 2-2 चालान हो रहे हैं, 3-3 चालान हो रहे हैं, उसका समाधान के उसकी समस्या लेकर आए थे हम कि कलेक्टर साहब, हमारी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता ये हड़ताल ऐसे ही चलेगी। जब तक कोई हमें संतोष जवाब नहीं मिलता, हमारा हल नहीं निकलता, जब तक ये जारी रहेगी। इससे जरूर परेशानी होगी अभिभावकों को, पर उस परेशानी के लिए हम लोग क्षमा अच्छे हैं, पर इसकी सोल्यूशन बिना निकाले हम लोग ये हड़ताल नहीं तोड़े। कलेक्टर साहब से ऐसा कुछ अभी आश्वासन और ऐसा कुछ जो हमें लगा वो ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर उन्हें फिर भी कहा देखेंगे, तो अब देखते हैं कब तक हमें संतोषजनक जवाब मिलता है। ये जब तक हमारी समस्या का पूर्ण तरीके से समाधान नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग सेवाएँ दे रहे हैं और हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है देश का भविष्य है, वो भी जानते हैं। हर अभिभावक से हम रोज़ पर्सनली मिलते हैं, हर बच्चे की मम्मी पापा दादा दादी खुद बैठाना आते हैं, हर एक जानता है, हमें देखता है, समझता है। यदि उन्हें परेशानी होती तो अभिभावक कभी चुप नहीं रहता, आज के समय में सब जागरूक है, एकदम आती बात सामने, पर कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा था, हम लोग अपनी तरफ से कम्प्लीट होके चल रहे हैं। उसके बाद रोज़ नए नए हमारे पे थोपे जा रहे हैं, जो हमारी गाड़ियों पर हम पे नहीं लागू होते हैं, वो पूरे करने को दिए जाते हैं, वो ना ये डिपार्टमेंट पूरा कर सकता है, ना आरटीओ पूरा कर सकता है, उसके बाद हम पे थोपे जा रहे हैं, उसका सोल्यूशन इनके पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।